दोस्तों काफी सारे लोग लंबे समय से हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हमारा बहुत ज्यादा चार्ज काटा जा रहा है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसमें कितने प्रकार के चार्ज लगते हैं और ये बैंक बहुत ज्यादा चार्ज लूटता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बैंक के टोटल 5 ऐसे नुकसान की बात करेंगे जो कि आपके लिए यहां पर होने वाले हैं। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं या फिर पहले से अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आप सभी लोग जानते होंगे एक सरकारी बैंक है और ये पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक है। तो सबसे पहला यहां पर आपको नुकसान होता है जो होता है डेबिट कार्ड का, तो इसमें आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता है। सबसे पहली बात यहां पर ये समझ लो, फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। जो यहां पर आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो मिलता है वर्चुअली, जिससे बस आप केवल यूपीआई चालू कर सकते हो, साथ में ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना हुआ तो वो कर सकते हो, लेकिन कैश विड्रॉल के लिए यहां पर डेबिट कार्ड नहीं मिलता है। और जो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है उसका भी यहां पर आपसे चार्ज लिया जाता है, जो कि 25 रुपए का चार्ज आपसे हर साल वसूला जाएगा। और जब आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कार्ड को एक्टिव करोगे तो 25 रुपए का चार्ज आपका इशू फीस काट लिया जाएगा। यहां पर यह सबसे बड़ा पहला यहां पर प्रॉब्लम आता है कि भाई वर्चुअल डेबिट कार्ड का कौन चार्ज लेता है। बहुत सारी बैंक आपने देखे होंगे, इसके कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको जीरो बैलेंस खाता देता है, लेकिन उसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है, कोई चार्ज नहीं है। आजकल आप जितनी बैंकें देख लीजिएगा उनमें या तो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो कम से कम उसका चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर भाई साहब मामला ऐसा है कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड पर भी चार्ज देना पड़ता है। तो अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसमें लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिले, तो उसके लिए आपको हम कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट रिकमेंड करेंगे। आप उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कोटक 811 अकाउंट का लिंक मिलेगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना और घर बैठे बैठे अपना वीडियो के वजह से खाता खोल लेना। तो सबसे पहले यहां पर समस्या ये आती है कि यहां पर वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, अब मान लो कि अकाउंट ओपन कर लिया, किसी को कैश विड्रॉल करना है तो भाई कैसे निकालेगा पैसा, ये यहां पर समस्या बन जाती है। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर मिलती है लिमिट को लेकर की। अगर आपने अपना ये पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है तो 2 लाख की लिमिट मिली होगी, बस 2 लाख रुपए तक ही आप इस खाते में रख सकते हो। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर आप 2 लाख से ऊपर अगर यहां पर अपना पैसा रखोगे तो यहां पर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, फिर बाद में चक्कर काटते रहना पोस्ट ऑफिस के और वहां पर जाके अपना खाता खुलवाते रहना, ये यहां पर सिंपल सी कंडीशन है। तो 2 लाख रुपए तक के अंदर में अगर कैश रख रहे हो खाते में तो बढ़िया है, लेकिन 2 लाख से ऊपर रखोगे तो फिर यहां पर अकाउंट में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेमेंट बैंक की लिमिट 2 लाख रुपए की होती है। यह खाता आपका प्राइमरी खाता तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसको बस क्या है ना कि आप एक मतलब यूपीआई वगैरह के लिए नॉर्मल यूज कर सकते हैं, उसमें भी समझ लो, पहले वीडियो को देख लो उसके बाद ही करना, क्योंकि बहुत सारे यहां पर कंफ्यूजन है। अभी आगे हम बात करते हैं एसएमएस चार्ज की। यहां पर आपका हर 3 महीने में 10 रुपए के आसपास एसएमएस चार्ज कटता है और ये एसएमएस चार्ज आपका बंद नहीं होगा। बहुत सारी बैंकों में क्या है कि आप एसएमएस चार्ज बंद कर सकते हैं एप्लीकेशन देकर के या फिर कॉल करके कि भाई हमारे लिए नहीं चाहिए एसएमएस, हम तो ऑनलाइन सारा काम करते हैं, एसएमएस की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक के 811 खाते में आप कॉल करिएगा और वहां से अपना एसएमएस चार्ज बंद करा दीजिएगा तो आपका यहां पर पैसा नहीं कटता है, लेकिन यहां पर आपका एसएमएस चार्ज बंद भी नहीं होगा और ये आपका एसएमएस चार्ज हमेशा कटता रहेगा। तो यहां पर हर 3 महीने में आपका 10 से 12 रुपए एसएमएस चार्ज का काट लेते हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर आता है एईपीएस को लेकर के समस्या आती है। एईपीएस यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आजकल जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें पता होगा कि अंगूठे से पैसा निकलता है, मतलब कि जाइएगा किसी भी शॉप पे, वहां पे अंगूठा लगाइएगा, आधार नंबर बताइएगा, अपनी बैंक बताइएगा और पैसा निकल जाता है। लेकिन यहां पर आपका अंगूठा से पैसा निकालने पर, एईपीएस पैसा निकालने पर भी चार्ज लिया जाता है, जो कि यहां पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 महीने में फ्री रहेगा, लेकिन दूसरे ट्रांजेक्शन से फिर आप जितने ट्रांजेक्शन करोगे उसका आपको 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन का देना पड़ेगा। अब यहां पर यह बात सभी लोग जानते हैं कि भाई जो एईपीएस चला रहा है वो भी जनसेवा नहीं कर रहे हैं, वो भी चार्ज लेते हैं, इधर 1000 रुपए में 20 रुपए 10 रुपए वो लेते हैं और इधर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाले काटेंगे हमारा। अगर आप इस बैंक को कैश निकालने के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर भाई साहब आपके लिए यहां पर समझ लो कि चार्ज पे चार्ज वसूले जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कस्टमर केयर की। कस्टमर केयर में जो पर्सनली
मुझे समस्या आई है वो बताता हूं मैं आपको। यहां पर देखो क्या है कि कस्टमर केयर पे आप जब कॉल करते हो तो पहली बात तो ये है कि अगर आपके सिम में बैलेंस नहीं होगा तो यहां पर कॉल लगेगा ही नहीं, भले ही आपका सिम फ्री हो, आपको अलग से उसमें रिचार्ज डलवाना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर कॉल लगेगा और यहां पर कॉल पर कटता है भारी चार्ज, लगा के देखना कभी, आप जितनी बात करोगे उसका अलग से यहां पर चार्ज कटेगा। और कॉल अगर लग भी जाता है तो मैंने ये पर्सनली यहां पर देखा है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं कस्टमर केयर पे बैठे हैं बात करने के लिए, उनको ना पूरी नॉलेज नहीं है भाई साहब। मतलब आप बात कर रहे हैं तो मतलब कुछ भी उठा के बोल देंगे, ऐसा नहीं है मतलब कि प्रॉपर जानकारी मिल रही है कुछ। एक बार मैंने कस्टमर केयर से पूछा कि मैं विदेश से क्या इस पेमेंट बैंक में कोई पैसा रिसीव कर सकता हूं, तो बोले कि यहां पर आप बस केवल इसको इंडिया में ही यूज कर सकते हैं, विदेश से पैसा रिसीव नहीं कर सकते हैं। जबकि मैंने की वेबसाइट पर जाकर के देखा तो वहां पर स्विफ्ट कोड था, और स्विफ्ट कोड आप जानते हैं कि तभी दिया जाता है जब आप विदेश से पैसा रिसीव करते हो। तो यहां पर ये बड़ा कंफ्यूजन है, कस्टमर केयर वाले मना कर रहे हैं और स्विफ्ट कोड दे के रखा है। तो ऐसी यहां पर बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो कस्टमर केयर वालों को खुद ही पता नहीं होती है, और उसके पीछे का जो रीजन जहां तक मुझे लगता है कि भाई साहब सरकारी बैंक है और कस्टमर केयर वाले भी सरकारी होंगे तो सरकारी कर्मचारियों का हाल आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। छठा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां पर क्रेडिट कार्ड और लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। काफी सारे लोग अपने अकाउंट को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें उस अकाउंट पर प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड या प्री अप्रूव लोन के ऑफर मिल जाए, ताकि अगर इनकम वगैरह नहीं है आसानी से लोन या क्रेडिट कार्ड मिल जाए। लेकिन यहां पर ऐसी कोई लान नहीं है, क्योंकि पेमेंट बैंक के पास क्रेडिट कार्ड और लोन देने का लाइसेंस नहीं होता है, तो यह भी आपका यहां पर सपना टूट जाएगा। बाकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको यहां पर मिलता है 2% का ब्याज, इससे अच्छा तो स्टेट बैंक दे देता है हमारे लिए। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि यहां पर आपको आएंगी। अब काफी सारे लोग इस पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट इसलिए ओपन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकाउंट जीरो बैलेंस है, और ये बात सही है कि हाँ अकाउंट जीरो बैलेंस है, लेकिन अकाउंट जीरो बैलेंस है उसके पीछे कितने भारी चार्ज लग रहे हैं इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। जब चार्ज कटते हैं उसके बाद मालूम चलता है, फिर सोचते हैं यार कम से कम कोई ऐसा अकाउंट खोल लेते जो कि मिनिमम बैलेंस वाला होता, कम से कम हमारा जो चार्ज कट रहा है फालतू का ये नहीं कटता। अगर आप ऐसे अकाउंट की तलाश में हैं जो लाइफ टाइम के लिए जीरो बैलेंस हो, फिजिकल डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, यानी कि सारी बैंकिंग की सर्विस मिल जाए और अकाउंट जीरो बैलेंस हो, तो मैं आपके लिए यहां पर दो अकाउंट सजेस्ट करूंगा। नंबर एक कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट, नंबर दो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट। आप इन दोनों अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, काफी बढ़िया अकाउंट है। अगर आपको इन दोनों अकाउंट में से कोई अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपके लिए सर्विस कैसी मिलती है आप कमेंट जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।